हेलो गाइस, मैं गुड़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड़िया जानवी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर मंगाई हुई है ब्लैकबेरी, जो है शीट मास्क मंगाई हुई है मैंने गुड वाइब्स की। तो ये है ब्लैकबेरी और स्किन डिफेंडिंग शीट मास्क है ये। और इसकी जो ML की मैं बात करूँ तो 20 ML इसमें क्वान्टिटी होती है फ्रेंड। बाकी सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, बैक में मेंशन है यहाँ पे इसे यूज़ किस तरह से करना, वो सारी चीज़ें मेंशन है। क्या आपको जो है केयरफुल रखना है, ये सारी चीज़ें मेंशन है। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। देन इसकी मैन्युफैक्चर डेट भी यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से है। और शीट मास्क आपकी जो स्किन को है बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेस कर देती है, आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देती है। देन आपकी स्किन अगर डल हो रही है तो उसे अच्छे से जो है कवर कर देती है। तो पूरा डेमो मैं आपको दिखाऊंगी, इसका पूरा रिव्यू मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल में और पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। इसे लगाना बहुत ही आसान है, बस पैक को आपको इस तरह से कट करना है और इसमें से आपको शीट मास्क निकाल लेना है, उसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। देन अपनी लिप्स और अपनी आईज को जो है कवर नहीं करना है, उसे बचा के रखना है, क्योंकि इससे आपको आपकी आईज में जलन हो सकती है या फिर इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपको ख्याल रखना है। इसे इस तरह से आपको निकाल लेना है। और इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा जो है मेरा जो हैंड है पूरा भीग गया है। और इसके अंदर जो पैक है उसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में जो है सीरम रहता है, तो आप इसे जो है 2 बार यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पे। उसे फेंकना नहीं है आपको, इस तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे और इसे लेके अपने फेस पे अच्छे से आपको अप्लाई कर लेना है। अपनी आई से थोड़ा सा इसे दूर ही रखना है, देन आपको अपने नोज वगैरह पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है। इसमें आपको फूलों का एंड फलों का रस मिल जाता है जो सीरम का काम करता है। देन इसमें ग्लिसरीन, हनी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। पैक पे सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं पीछे, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, और जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसे लगाना भी बहुत आसान है, इसे लगा कर आपको 20 मिनट तक अपनी स्किन पर रखना है। इसका जो सीरम बच जाता है उसे अपने हैंड पे इस तरह से अप्लाई कर लें। इसे 15 से 20 मिनट लगा के आपको रखना है अपने फेस पे, और उसके बाद इसे हम निकाल के अच्छे से मसाज करेंगे। तो चलो मैं मिलती हूँ 20 मिनट बाद। तो अब 20 मिनट हो गए हैं और मैं इसे अच्छे से रिमूव किए दे रही हूँ इस तरह से, और इसे वापस मैं उसी पैक में डाल दूंगी, क्योंकि अभी बहुत सारा सीरम इसमें है। इसे एक बार मैं और भी अप्लाई कर सकती हूँ, तो इसे फेंकना नहीं है आपको, इसे अच्छे से जो है कवर करके रख देना है, और ताकि इसे दोबारा आप यूज कर सके। फुल पैसे वसूल आपके हो जाएंगे। उसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से इसे मसाज कर लेना है, क्योंकि जो भी सीरम आपका जो लगा हुआ है फेस पे वो अच्छे से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। इसकी प्राइस की बात करूँ तो 99 रुपीज़ में ये मिल जाता है, और पर्पल पे इस समय सेल भी चल रही है, तो आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। 5 शीट मास्क लेंगे तो आपको 5 फ्री मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसके में। बाद हम इसे जो है वॉश कर देंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे जो इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आपको अच्छी अच्छी अपडेट देखने को मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हो। ये हर स्किन को जो है अच्छे से सूट कर जाता है। आप किसी भी स्किन टाइप की हैं आप इसे यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वालों के लिए भी आता है। इसमें आपको 12 सेट्स मिल जाते हैं, आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपना सेट चुन सकते हैं और उसे लेकर आप अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। स्किन आपकी काफ़ी अच्छे से ब्राइटनेस हो जाती है, आपकी स्किन में ब्राइटनेस आ जाती है, ब्राइटनअप कर देती है आपकी स्किन को। देन आपकी जो डल स्किन हो जाती है उसे भी जो है ये रिमूव कर देती है, और आपकी स्किन को अच्छी स्किन को रेजुविनेट कर देती है। और आपके अगर रिंकल्स वगैरह हो गए हैं, जो है अगर झाइयाँ हो रही है, पिगमेंट्स हो रही है, ये सारी चीज़ें भी आपकी रिमूव कर देती है। तो मैं इसे वॉश करके आती हूँ, तो मैंने अपना फेस जो है वॉश कर लिया है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपकी फेस पे जरा से भी इसे लगाने के बाद इचिंग हो रही है तो आपको इसे नहीं लगाना है, इसे निकाल देना है और अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है ठंडे पानी से। अगर आपको जो है आँखों में जलन हो रही है तो भी आपको इसे नहीं लगाना है और आपको निकाल देना है अच्छे से इसे, और अपने वॉश कर लेना है फेस को। चाहे आप नॉर्मल आप जो है वाटर से वॉश कर लें या फिर आप जो है कोल्ड वाटर से वॉश कर लें।
इससे आपकी इचिंग या जलन जो भी होगी स्किन से वो निकल जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप इसे आसानी से लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो स्किन आप देख सकते हो अच्छे से मेरी कैसे जो है शाइनिंग कर रही है स्किन, और देखिए काफ़ी अच्छे से ये जो है आपकी स्किन को ब्राइट कर देती है, और काफ़ी अच्छा सा फील भी होता है जब आपकी स्किन ग्लो करती है। थोड़ा सा जो है स्किन को मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग आती है, अंदर से फीलिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो उसके बाद मैं अप्लाई किए ले रही हूँ अपना यहाँ पर टोनर, कोकम्बर वाला गुड वाइब्स का, ये देखिए गुड वाइब्स का टोनर। बस हल्का समय से डैप किए दे रही हूँ इस तरह से, और इसे छोड़ देना है। तो अगर कोई आप इस तरीके का और रिव्यू देखना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट रिव्यू देखना चाहते हैं, आप तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो रिव्यू भी। और किसी चीज़ की अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो जानकारी भी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।